Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम सिंथेसिस का भाग पांच। तो भाग पांच में हम क्या बता रहे हैं, देखिए, एडजेक्टिव का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। कहने का मतलब कि एडजेक्टिव का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है, वो चीज आज हम भाग पांच में बताएंगे। पहली बात तो बच्चों से ये कहेंगे कि वीडियो देखने से पहले लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि हमारे बच्चे देख रहे हैं, तो हम भी वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुंचाएंगे। देखिए, आज हम एडजेक्टिव के विषय बता रहे हैं, मतलब एडजेक्टिव से एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो मतलब एडजेक्टिव माने क्या होता है, मतलब जो नाउन या प्रोनाउन, नाउन मीन्स संज्ञा, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, यानी कहने का मतलब कि जो नाउन या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव, अब देखिए हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे लिखा है, आई सा ए मैन, आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा। आई सा माने मैंने देखा, ये मैं माने एक आदमी को, मैंने एक आदमी को देखा। अब दूसरा वाक्य है, ही वाज ब्लाइंड, वह अंधा। कहने का मतलब इसको हम इसलिए बता रहे हैं, पास्ट पार्टिसिपल में हम क्या बताए थे, जो पहले का ऑब्जेक्ट था वो दूसरे में सब्जेक्ट बन जाता था और दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में रहता था। लेकिन इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर है जो ये दूसरा वाक्य है, ये दूसरे वाक्य में या तो सब्जेक्ट की विशेषता बताएगा, या तो जो यहां ऑब्जेक्ट है इसकी विशेषता बताएगा। तो कहने का मतलब जब ऐसे वाक्य रहे, जैसे आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा, ही वाज ब्लाइंड, वह अंधा था। अब यानी कि कहने का मतलब जिस आदमी को मैंने देखा वो आदमी अंधा था। तो जब यानी कि ऐसे दो वाक्य दिए रहेंगे, आगे लिख दिया जाएगा इसी के आगे सिंपल सेंटेंस, ऐसे लिख दीजिए कि मतलब इन दोनों वाक्यों से एक सिंपल सेंटेंस बनाइए, वो भी जो हम बता रहे हैं एडजेक्टिव का प्रयोग करके। तो हम कैसे जानेंगे कि एडजेक्टिव का यहां प्रयोग हो रहा है, तो सुनिए। जैसे दूसरे वाक्य में क्या दिए, ही, मतलब जैसे आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा, ही माने हुआ, वह मीन्स यही एक आदमी, ये जो है ये, मतलब ये मैन जो है इसी के लिए यहां ही के रूप में आया है, ये मैन अर्थात ही माने ये मैन, मतलब वो ये जो मतलब कि मैंने जिस आदमी को देखा, ही वाज ब्लाइंड, वह अंधा था, इसका मतलब कि यहां अंधा। तो अब इसको कहां ले जाएंगे, जो दूसरा वाक्य रहे उसमें कौन लगा दीजिए, कौन लगाने पर जो आंसर आएगा उसी के बगल में हम लिख देंगे, ठीक उसी के बगल में लिखेंगे। कहने का मतलब जैसे वह ही माने हुआ, वाज माने था, ब्लाइंड माने अंधा, वह अंधा था, कौन ए मैन। अभी अगर कह दिया जाए कि वह अंधा था, कौन किसके लिए कहा गया, मतलब मैंने जिस आदमी को देखा, यानी वो मैन, उस मतलब कि इस ब्लाइंड को हम लिख देंगे जब सिंपल सेंटेंस बनाएंगे
सिंपल सेंटेंस जब बनाएंगे हम तो क्या लिखेंगे, हम सिंपल सेंटेंस में लिखेंगे आई सा ए। अब इब्राहिमी कौन अंधा है, अब इसमें हम दूसरे वाक्य में हम कौन शब्द लगाएंगे, मतलब इसमें कह रहा है कि वह अंधा है यानी कौन अंधा है, एक आदमी, तो यानी कि इसी माइंड के बगल में हम लिख देंगे ब्लाइंड माइंड, यानी कि आई सा मैंने देखा ए ब्लाइंड मैन, एक अंधे आदमी को, मैंने एक अंधे आदमी को देखा, चाहे ऐसे कह दीजिए आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा, फिर ही वाज ब्लाइंड वह अंधा था, अच्छा इसको इस तरह से कह दीजिए मैंने एक अंधे आदमी को देखा। दूसरा एग्जांपल है, दूसरा क्या देखा, जैसे ए मैन केम, ए मैन के मने आया, हियर मने यहां, एक आदमी यहां आया, दूसरे वाक्य में क्या है, ही वाज पुअर, वह गरीब था। अब इसी को हमें बनाना है किसमें, यानी एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो एक सिंपल सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाएंगे, हमने कहा एक मैन एक आदमी के मनी आया, हियर मनी यहां, एक आदमी यहां आया, वो आदमी देखिए ही वाज पुअर, वह गरीब था, तो कहने का मतलब कि जो पहले वाक्य में देखिए ये मैन है भाई वह गरीब था, यानी अर्थात हमने कहा दूसरा वाक्य पहले उसका हिंदी में अनुवाद करिए फिर उसमें लगाइए कौन, तो कौन का जो आंसर मिलेगा, जो कह मतलब यहां लिख दे रहे हैं, देखिए नोट में लिख देंगे, जो कौन, यानी वो भी दूसरे वाक्य में, चलिए हम लास्ट में लिख देते हैं, इसका लिख देंगे जो दूसरे वाक्य में, यानी हिंदी निकालने के बाद उसमें हम कौन शब्द लगाएंगे, अब कौन का जो उत्तर मिलेगा उस शब्द को ले जाकर के उसी बगल में लिखेंगे, जैसे हमने कहा ए मैन केम हियर, एक आदमी यहां आया, ही वाज पुअर, वह गरीब था, कह दी जाएगी यानी कौन गरीब था, मतलब वह गरीब था, कौन गरीब था, यानी वही ए मैन जो यहां आया था वही ए मैन, तो अब इस पुअर को ले जा करके उसी के ठीक पहले लिखेंगे जो कौन का आंसर मिलेगा, तो मतलब कौन गरीब था, वही आदमी जो यहां आया था, तो अब इसको जब हम सिंपल बनाएंगे यस से की सिंपल और यानी कि यस से सेंटेंस, यस यस लिख दे रहे हैं सिंपल सेंटेंस, तो ये वही काम ए पुअर, ए पुअर में भाई यानी कौन गरीब था, वही आदमी गरीब था जो आया था, तो उसी के बगल में हम लिख देंगे पुअर, ये पुअर मैन केम हियर, मतलब चाहे ऐसा कह दीजिए ए मैन केम हियर, एक आदमी यहां आया, ही वाज पुअर, वह गरीब था, और चाहे कह दीजिए एक गरीब आदमी यहां आया, ऐसा कह दीजिए, तो हमारा जो है देखिए इसमें एक सब्जेक्ट हो गया एक क्रिया, यानी हमारा एक सब्जेक्ट और एक क्रिया का सेंटेंस होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। जैसे इसी नियम के और देख लीजिए, जैसे लिखा है द बॉय वाज बीपिंग, बी माने रोना, बीपी माने रो रहा था, द बॉय वाज बीपिंग,
लड़का रो रहा था, फिर ही वाज यानी कि ही वाज रिच, वह अमीर था, यानी द बॉय वाज बीपिंग, द बॉय वाज बीपिंग, लड़का रो रहा था, ही वाज रिच, वह अमीर था। अब इन पूछा जाए, मतलब पूछा जाए कि वह अमीर था, कौन अमीर था, वो लड़का, तो कहा मुझे मतलब जो ये है, ये शब्द जो एडजेक्टिव है, मतलब ये जिसकी विशेषता बताएगा, ये उसी के बगल में ले जाकर के लिख देंगे, मुझे द रिच बॉय, क्या लिखेंगे, द रिच बॉय वाज बीपिंग, एक अमीर लड़का, रिच माने अमीर, एक चाहे कह दीजिए कि मतलब कि लड़का रो रहा था, और दूसरे वाक्य में क्या है, दूसरे वाक्य में है वह अमीर था, और चाहे कह दीजिए अमीर लड़का रो रहा था, एक अमीर लड़का रो रहा था। जैसे अगला देखिए लिखा है, जैसे ए मैन, पहला है ए मैन डाइड ऑन द रोड, पहला ए मैन माने एक आदमी, डाइड माने मर गया, ऑन द रोड सड़क पर, एक आदमी सड़क पर मर गया। फिर है ही वाज पुअर, वह गरीब था, यानी कहने का मतलब, अब जैसे दो वाक्य दिए गए हैं, अब दूसरे वाक्य में जो ये एडजेक्टिव शब्द आया है, ये एडजेक्टिव है पुअर, पुअर माने गरीब, तो जो दूसरे वाक्य में एडजेक्टिव आया है उसी में लगाइए कौन, तो यानी पुअर माने गरीब, तो गरीब कौन था, देखिए उसका आंसर पहले में मिलेगा, यानी गरीब कौन था, यानी कि ए मैन डाइड ऑन द रोड, मतलब कि जो आदमी रोड पर मर गया था वो क्या था, वो गरीब था, इसका मतलब ये मैन जो था, जो रोड पर मरा हुआ था, ये क्या था, ये क्या है, गरीब है। तो कहने का मतलब ये जो एडजेक्टिव है, तो इसको ले जा करके उसी के बगल में लिख देंगे हम, जब इसका हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस जब बनाएंगे हम, तो कैसे बनाएंगे, ए पुअर मैन, एक गरीब आदमी, मतलब इसको उठा करके इसके बगल में कर दीजिए, और इस दोनों वाक्य को हम नहीं लिखते हैं, मतलब इन्हें कि दूसरे वाक्य में दूसरा वाक्य जो दिया गया, दूसरे वाक्य का यानी कि सब्जेक्ट और सहायक क्रिया, इसको हम नहीं लिखते हैं, और इसको यानी जो एडजेक्टिव दिया रहेगा, ये जिसकी विशेषता बताता होगा उसी के बगल में लिख देंगे। तो ये मैन की आदमी यानी कि कह रहा है गरीब, तो वही आदमी गरीब था जो यानी रोड पर मरा हुआ था, तो यहां एक इसी बगल में लिख देंगे, ए पुअर मैन डाइड ऑन द रोड, चाहे कह दीजिए एक आदमी सड़क पर मरा हुआ था, वह गरीब था, और चाहे कह दीजिए कि एक गरीब आदमी रोड पर मरा था। तो अब देखिए जैसा एक एग्जाम्पल, और इसी तरह से कह दिया जाए, अब अगर एक वाक्य और देख लीजिए, जैसे लिखा है ए मैन वाज
गोइंग टू द स्टेशन। मतलब कि एक आदमी वाज गोइंग माने जा रहा था टू द स्टेशन, स्टेशन एक आदमी स्टेशन जा रहा था। ही वाज रिच, वह अमीर था। यानी ए मैन वाज गोइंग टू द स्टेशन, एक आदमी स्टेशन जा रहा था। और जो आदमी स्टेशन जा रहा था वो क्या था, कैसा था वो, ही वाज रिच, वह अमीर था। तो यानी अमीर कौन था, वही आदमी। तो इसका मतलब दूसरे वाक्य का जो ये सब्जेक्ट है इसको नहीं लिखेंगे, जो दूसरे वाक्य का ये यानी कि सहायक क्रिया है इसको नहीं लिखेंगे। अब ये जो एडजेक्टिव दिया गया है इसी को उठा करके ऐसी जगह पे ले जाएंगे जो रिच, तो मतलब रिच जो होगा, जो अमीर होगा उसी के बगल में डाल देंगे। तो रिच कौन है, वही आदमी जो स्टेशन जा रहा था। तो उसको हम ले जाएंगे, ले आएंगे जब सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो ये रिच मैन एक धनी व्यक्ति वाज गोइंग जा रहा था टू द स्टेशन, स्टेशन टू द स्टेशन। अगर वाक्य इस तरह से अगर दिए हैं तो ऐसे वाक्यों को हम जब बनाएंगे तो एक सिंपल सेंटेंस जब हमको बनाना है तो हम पहले देखेंगे क्या दूसरा वाक्य जो है उसमें जो एडजेक्टिव दिया गया है क्या वो पहले जो पहले वाक्य में नाउन है या प्रोनाउन है। अगर प्रोनाउन की विशेषता अगर बता रहा है तो प्रोनाउन के बगल में ले जाकर लिख देंगे, नाउन की विशेषता बता रहा है तो नाउन के बगल में। यानी दूसरे वाक्य में जो एडजेक्टिव आया है वो जिसकी विशेषता बताएगा उसी के बगल में हम लिख देंगे। जैसे एक वाक्य लास्ट और हम बता देते हैं, जैसे कह रहा है कि यानी कि द बॉय माने एक लड़का के माने आया, हियर माने यहां। दूसरा वाक्य है ही वाज लेम, वह लंगड़ा। मतलब ही द बॉय केम हियर, एक लड़का यहां आया, ही वाज लेम, लेम माने वह लंगड़ा। यानी कहने का मतलब अब जैसा कि अभी लेम यानी कि लंगड़ा कौन था, वो जो आदमी यहां आया था, जो हुआ लड़का, ये इसका मतलब ये लेम जो है इस लड़के के लिए कहा गया है कि मतलब कि जो लड़का यहां आया वो कैसा था, मतलब लेम लंगड़ा था। एक है मतलब हमने कहा दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं, दूसरे वाक्य की मतलब की सहायक क्रिया नहीं लिखते हैं। तो यही शब्द बचा हुआ इसको कहां ले जाकर के लिखेंगे, क्या इसको हियर के पहले लिखेंगे, भाई ये तो आया नहीं, इसको हम क्या यहां लिखेंगे। मतलब कि जो चीज जिसकी विशेषता बता रहा है वो बॉय जो था जो यहां आया था वो कैसा था, वो लंगड़ा था। तो उसे बॉय के पहले लिख देंगे, तो लिख देंगे हम द लेम बॉय, द लेम बॉय केम हियर। मतलब एक लंगड़ा लड़का के माने यहां, तो के माने आया, हियर माने यहां, एक लंगड़ा लड़का यहां आया। अब इस तरह से हम जैसे यानी कि हम बता दिए हैं ये बहुत आसान है इसलिए बहुत कठिन नहीं है, केवल हल्का से ये देखना है कि दूसरे वाक्य का ये जो सब्जेक्ट है इसको नहीं लिखेंगे, दूसरे वाक्य की जो सहायक क्रिया इसको नहीं लिखेंगे।
जो ये एडजेक्टिव दिया रहेगा, यहां पर जो एडजेक्टिव रहे वो पहले देखिए किसकी विशेषता वो बता रहा है, उस उठा करके उसको उसी के बगल में लिख दीजिए और बताएंगे। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम और देते हैं, लिखा है ए मैन केम टू माई डोर, एक आदमी के माने आया टू माई डोर, मेरे दरवाजे पर, एक आदमी मेरे दरवाजे पर आया, ही वाज मैड, वह पागल था, ही वाज मैड वह पागल था, यानी ए मैन केम टू माई डोर, एक आदमी मेरे दरवाजे पर आया, ही वाज मैड, यम ए डी, मैड माने होता है पागल, वह पागल था। अब अगर इसको हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है तो हम कैसे जानेंगे, मतलब एडजेक्टिव का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो कहने का मतलब कि अब देखिए जो दूसरा वाक्य दिया गया है वो उसमें एडजेक्टिव दिया गया मैड, ये एडजेक्टिव है, यानी जैसा कि पास्ट पार्टिसिपल में आप लोगों ने ये देखा था कि दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में रहता था और यहाँ की क्रिया, पहले यहाँ क्रिया दी रहती थी, वो क्रिया थर्ड फॉर्म में रहता था, उसको ले जाकर के हम बगल में लिखते थे, लेकिन ये मैड वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। तो अब यानी कि ही वाज मैड, जैसा कि हमने कहा दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं, दूसरे वाक्य क्रिया नहीं लिखी जाती है, अब मतलब केवल यही जो एडजेक्टिव है इसी को हमको लिखना है। अब इसको हम कहां लिखें, तो मैड, मैड माने पागल, ही वाज मैड वह पागल था, अर्थात कौन पागल था, यानी ए मैन पागल था कि केम पागल था कि माई डोर पागल था। अगर मान लीजिए माई डोर पागल है तो मैड को हम माई डोर के बगल में लिखेंगे, पागल मेरे दरवाजा, मेरा दरवाजा, ऐसा तो नहीं हो सकता केम, इसलिए जो पागल होगा, यानी पागल किसके लिए कहा गया है, वही जो आदमी मेरे दरवाजे पर आया, जो आदमी मेरे दरवाजे पर आया वही पागल था। तो इस मतलब इस मैड को उठा करके उसी मैड के बगल में लिख देंगे, एक सिंपल जब बनाएंगे तो ए मैड मैन, मैन के मने आया टू माई डोर, मेरे दरवाजे पर, एक पागल आदमी मेरे दरवाजे पर आया, अच्छा है कह दीजिए एक आदमी मेरे दरवाजे पर आया, ही वाज मैड वह पागल था। तो इस तरह से, यानी कहने का मतलब दूसरे वाक्य में जो एडजेक्टिव दिया गया है वो जिसकी विशेषता बताएगा उसको उठा करके उसी के बगल में लिख दीजिए, और लिखने के बाद फिर हमारा वही सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। अब हम फिर अगले वीडियो मिलेंगे, अगले वीडियो में आपको बताएंगे इन्फिनिटिव का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो आप लोग लाइक करिए और कमेंट करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो आप लोगों को हमारा वीडियो मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।